प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश भर में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से मरीजों को नहीं देख रहे। डॉक्टर दोपहर 12 बजे के बाद OPD लौटेंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने नहीं दी जाएगी, आपात सेवाएं चिकित्सकों की तरफ से जारी रहेगी। डॉक्टर का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले चिकित्सक अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन चिकित्सकों को 13 फरवरी को सरकार के साथ हुई बैठक का एजेंडा नहीं मिलने पर अब उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय ले लिया है। चिकित्सकों की मुख्य 5 मांगे हैं, इसमें NPO को बहाल करना प्रमुख मांग है। संघ ने मांग की है कि स्वास्थ्य निदेशक को डिप्टी मिशन निदेशक के पद से हटाया जाए, क्योंकि संघ को ये मान्य नहीं है कि स्वास्थ्य निदेशक किसी अन्य निदेशक के अधीनस्थ कार्य करे। इसके साथ ही 4914 पे स्केल की बहाली, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में परियोजना निदेशक का कार्यभार वापस स्वास्थ्य निदेशक को दिया जाए। इसी के साथ पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं JD, DD, CMO, SMS, BMO को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दी जाए और किसी को भी रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन ना दी जाए। वहीं 5 मार्च के बाद डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।